हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एक दमदार लड़की कैसे बने। तो पावरफुल पर्सनालिटी कैसे बनाएं, कहने का मतलब है कि आपको देखकर ही लोग अंदाज़ा लगा लें कि ये बहुत ही दमदार लड़की है, ज़ोरदार लड़की है और समझदार लड़की है, तो इससे आप पे हावी नहीं होगा। तो क्या आप ऐसी लड़की बनना चाहती हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। घर हो, ऑफिस हो या कहीं भी, सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको पूरा ध्यान रखना है। कोई काम ऐसा नहीं करना है मजबूरी की वजह से या कोई और वजह से, जैसे कि आप किसी के प्यार में हो और वो नहीं चाहते कि आप उनके प्यार में रहो, आपसे वो अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप गिरगिराकर या उनके पैर पकड़कर आप ये सोचोगे कि मेरा क्या होगा या अब मैं क्या करूं, तो इस तरह से आप कुछ नहीं हो उनके बिना, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान, हर लड़की में कुछ ऐसी योग्यता, ताकत होती है, हिम्मत होती है कि वो अपना जीवन जी सकती है। तो सबसे पहले तो आप आत्मनिर्भर हो जाएं और मजबूत हो जाएं, जिससे कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर कर सकते हो या सेल्फ रिस्पेक्ट पा सकते हो। ये कोई मांगने वाली चीज़ नहीं है, प्यार या रिस्पेक्ट। ये आपकी पर्सनालिटी को देख के, आपके व्यवहार को देख के, आपकी योग्यता को देख के, आप कितने कामयाब हो इस चीज़ को देख के मिलती है, आपके पोजीशन को देख के। अगर आप एक आम लड़की हो और घर में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या एक हाउसवाइफ हो, आम मामूली हाउसवाइफ हो, लेकिन अगर उसी जगह पे आप हाउसवाइफ होते हुए, एक आम लड़की होते हुए लाइफ में कुछ करते हो, कुछ करियर है आपका, कुछ कमाते हो, तो आपको रिस्पेक्ट मिलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने की, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बात होती है कि एक आम ही लड़की है, कोई ख़ास नहीं है, हाउसवाइफ भी सिंपल है, लेकिन फिर भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारी वैल्यू क्या है और हमें कितना उपलब्ध रहना है। जैसे कि कोई आवाज़ लगाए, उनके पति हैं, स्वामी हैं या सास ससुर हैं, तो वो दौर ही नहीं चली आती है, वो अपने आप को इम्पोर्टेंट देती है कि मैं भी खाना खा रही हूँ तो 5 मिनट में आई, ठीक है, ये नहीं कि खाना छोड़ के चल। आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, या आप कुछ काम कर रहे हो, आप भी फालतू नहीं हो, ठीक है, आपने इसी काम के लिए अपना कैरियर बहुत कुछ दांव पे लगाया हुआ है और फिर भी आपको रिस्पेक्ट ना मिले, तो ये नहीं चलेगा। तो इसलिए आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे हो, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर रहे हो, अगर लड़की हो, कहीं जॉब नहीं कर रही हो, पढ़ी लिखी हो, सिर्फ घर का काम ही कर रही हो, तब भी आप कम नहीं हो, या आपने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की, सिलाई कर रहे हो या कोई भी, तो भी आप किसी से कम नहीं हो। जब आप अपने लिए ऐसा सोचते हो, तभी से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट समाज में, घर में, हर जगह आपको मिलने लगती है। तो आपको इस तरह से अपने लिए सोचना चाहिए। सेकंड टिप्स है कि पावरफुल पर्सनालिटी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं भी भीड़ जाएं। जैसे कि रात का समय है, आप ऑफिस से लौट रही हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और वहाँ 5-6 बैठे हुए हैं, और जो मतलब देख के ही पता चलता है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ऐसे में आपको वहाँ से कट लेना है, निकल लेना है, ठीक है, उनके सामने नज़र में भी नहीं, कि सुरक्षा आपके हाथ में है। और आपको अपने लिए बाउंड्री सेट करनी है कि आपको रात में घर से कितने बजे के पार्टी में नहीं रुकना है, नहीं जाना है, ड्रिंक नहीं लेना है तो नहीं लेना है, कोई फोर्स करे तब भी नहीं, ना का मतलब ना। तो इस तरह से अगर आप अपने बाउंड्री को बहुत अच्छे से अपने लाइफ में फॉलो करते हो,
तो कोई ताकत नहीं है, खुद आप अपने आप को सेफ रखते हो, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, आप शेरनी हो, मैं मानती हूँ कि आपने कराटे भी सीखी हुई हैं, आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन हर जगह हमें अपनी ताकत नहीं दिखानी है। जहाँ काम अगर शांति से हो जाता है, चल जाता है, तो हमें चुप रहना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आपको जैसे कि एक शेर है, भूखा शेर है, अब आपकी ओर आ रहा है खाने को, तो आप बच सकते हो तो बचो, नहीं तो फिर आपको लड़ना होगा, तो पूरी ताकत के साथ लड़ो कि आप भी कम नहीं। महात्मा गांधी का एक कथन भी था, करो या मरो देश की आज़ादी के लिए। तो आप खुद के लिए लड़ो, समझ में आ रही है बात। तो कोई भी सिचुएशन वैसी आ जाए तब, लेकिन आप एक बाउंड्री सेट कर लो जिससे कि आप उस सिचुएशन में जल्दी फंसो ही ना। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से आप एक दमदार लड़की बनो और समझदार भी साथ में। हम किसी से कम भी नहीं हैं, लेकिन बिना मतलब हम किसी से उलझते नहीं हैं। हमारा जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उस पर हमारा फोकस रहता है या रहना चाहिए। तीसरी बात है, ना का मतलब ना, बिना डरे स्पष्ट बात करें। और बातों में वजह बहुत हिम्मत होती है कि हम अपने लिए कुछ कह पाते हैं। जैसे कि किसी लड़के से प्यार हो जाए, तो बहुत कम ऐसी लड़की होती है जो हिम्मत कर पाती है, कह पाती है, कहे ही रह जाती है। तो इसमें तो मैं कहूँगी कि अपनी घर की स्थिति को आप देख लें, अगर पेरेंट्स उस तरह के हैं तभी बात करें, नहीं तो फिर आपका उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको सहना पड़ेगा कि आपकी शादी आनन फानन में कहीं भी कर दी जाएगी या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको सिचुएशन के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स सही हैं, समझदार हैं, आज के युग के हैं, समझते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो बात करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। इससे आपका भला भी हो सकता है, शायद पेरेंट्स को भी वो लड़का पसंद आ जाए, ठीक है। तो इसलिए बात करना, अपनी बातों को अच्छे से रखना, उनका मूड देख के, समय देख के ज़रूरी होता है। स्पष्ट बात करें और आपकी बातों में वजन भी हो, ये ना कि आप खुद कंफ्यूज रहो कि मुझे उससे प्यार है भी कि नहीं, ठीक है। पहले आप तो देख लो कि लड़का कैसा है, कितना अच्छा है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। और ना का मतलब ना, कहने का मतलब कोई काम आपको नहीं अच्छा लगता है, नहीं करना है, तो आप ना कह सकते हो, और ना का मतलब ना, इस चीज़ को समझा सकते हो, ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, आप एक दमदार लड़की हो। 4 पॉइंट्स है, भावना में ना बहे, डर ना दिखाएं। जैसे कि होता है ना कि हम जहाँ शादी करना नहीं चाहते या जिस कैरियर में जाना नहीं चाहते, लड़कियों के लिए तो टीचर का ही जॉब सबसे सेफ रहता, अच्छा होता है, लेकिन आपको बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट कहीं और है, डांस में, गाना में, या और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को। तो ऐसे में आपको बहुत सारी आपकी मम्मी भी वादे देगी, कस्में देगी, या भावना में तो आपको नहीं बहना है, ठीक है। या वहाँ शादी कर ले, हमने भी तो शादी करी थी, देख क्या होता है, शादी सबको करनी पड़ती है, तो नहीं, सबको करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन आप जिसके साथ आपकी होने वाली है शादी, उससे आपके विचार कितने मिलते हैं, और मतलब आपका दिमाग, उनका दिमाग कैसा है, बहुत कुछ एक बार मिलना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो भावना में बह के आप सिर्फ पैसे के लिए, कम दहेज लग रहा हो या कोई और कारण हो, किसी दबाव में कि उससे मेरी बेटी शादी कर लेती है तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा, राजनीति में ज़्यादा ये सब होता है, तो ऐसे में आपको भावना में नहीं बहना है, अपने दिमाग से काम लेना है कि आपके लिए क्या सही है। या कैरियर हो, कोई काम हो कि अपने ससुर जी का बिजनेस में आपको हाथ बटाना चाहिए अगर आप तेज तराज हो, या खुद का बिजनेस करना चाहिए, आपकी अपनी पहचान है, क्या उसे शादी के बाद अपनी पहचान, नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप भावना में बह के निर्णय ना लें, बहुत शांति से सोच समझ के लें, ठीक है। जिसमें आपकी खुशी हो वही आप निर्णय लें, एक दमदार लड़की बने। कहीं भी आपको झुकने की या मजबूरी में निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 टिप्स है कि बॉडी लैंग्वेज दमदार हो। आप एक दमदार लड़की तभी बन सकती हो जब आपको देखकर ही ऐसा लगे कि आपका सीना जो है चौड़ा है, आप सर उठाकर जीते हो, सिर झुकाकर नहीं जीते हो। मतलब नम्र होना अलग बात है, सहनशील होना अलग बात है,
लेकिन इंग्लिश में आत्मविश्वास झलकना चाहिए, आपके कंधे झुके हुए नहीं होना चाहिए, जब चलो तो चाल में एक नजाकत मतलब एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हो या बहुत तेज़ चल रहे हो, बहुत धीरे भी नहीं चलना है, तेज भी नहीं चलना है, मतलब आराम से चलना है। और जो भी नियम है उसे आपको तोड़ देना है, नियम होते ही तोड़ने के लिए, क्योंकि झांसी की रानी जो थी वो उन्हें भी बहुत सारी पाबंदियां बताई गई थी कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, शादी के बाद खाना बनाना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो देश के लिए लड़ी, तो क्या आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हो? तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हम पे थोपे जाते हैं, तो उसे तोड़ना है। और आपका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा होना चाहिए ना कि कोई आपको 10 बार सुनाते हैं तो आप एक बार अगर अपनी आंखों से उन्हें देख लो तो वो आपके तेवर, आपके दिमाग, माइंड को समझ जाएं। इस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, कि कोई आपसे गलत बात कहने से भी 100 बार सोचे कि ये लड़की कुछ अलग है, दमदार है ना। इस तरह से आपको एक दमदार लड़की बनना है। 6 टिप्स है या बातें हैं कि खुद को चांद नहीं सूरज बना। चांद जैसी मतलब कि लड़कियों को चांद का टुकड़ा कहा जाता है, बहुत सारे गाने भी हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, वो मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है। तो खूबसूरती होना हक है आपका, लड़कियों का खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन सिर्फ चांद का टुकड़ा बनकर आपको नहीं रह जाना है। गुलाब की पंखुड़ियाँ गुलाब बनकर नहीं रह जाना है, उसमें जो कांटे होते हैं वो चीज़ें भी आप में होनी चाहिए। मतलब कि आप सूरज जैसा बनो, मतलब है कि आप भी अपने लाइफ में संघर्ष करो, ठीक है। कोई देखे तो आपकी रोशनी से उसकी आंखें धुंधिया जाए। शीतल मत बनो, जहाँ गुस्सा करना है, जो गलत है वहाँ आपको कहना है, गुस्सा करना है, ठीक है, और लोग देखें तो उनकी आंखें धुंधिया जाए। ऐसा आपको सूरज जैसा चमकना है, बनना है, चांद जैसा हमेशा खूबसूरत बनकर नहीं रहना है, एक दमदार लड़की बनना है। तो इस तरह से अपने आप को आप ढालो, समझो। 7 टिप्स है कि आप जॉब करते हो या स्टडी पढ़ाई करते हो तो आपको सुनसान सड़क में रात में 9 बजे 10 बजे आना जाना होता है, तो ऐसे में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक दमदार लड़की हो, समझदार लड़की हो तो मोबाइल फुली चार्ज हो, हेडफोन कानों में हमेशा ना लगाएं, अवेयर रहें और आसपास के वातावरण पर ध्यान दें कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, किसकी मंशा क्या है, कौन किस नज़र से देख रहा है। शक हो तो लाइव करें, लोकेशन ऑन रखें कि आपके माता पिता भी समझें कि आप अभी कहाँ हो, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको सतर्क रहना है, अवेयर रहना है, और डर नहीं दिखाना है कि आप डर रही हो, घबरा रही हो, ऑटो में बैठी हो, तो नहीं, कुछ भी आपके चेहरे पे सिकंज डर होना ही नहीं चाहिए। अगला देख के आपसे डर जाए इस तरह का चेहरे पे तेज कॉन्फिडेंस, आँखों में एक अलग सी मतलब मजबूती होनी चाहिए कि आप 100 लोगों को तो यूँ देख लोगे, इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, तब आप एक दमदार लड़की बन सकते हो। शेरनी बनो, चूहिया नहीं। 8 टिप्स है कि आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे संगति में रहते हो वैसा असर होता है। जैसे होता है ना, उस लड़की के साथ अगर मेरी बेटी रहेगी तो बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है, स्कूटी चलाती है, जॉब करती है, और जो भी स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं उसे मिली हुई है। और आपके घर में ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की समाज के लिए अच्छी नहीं है, वही लड़की समाज के लिए अच्छी है, दमदार लड़की है, तो आपको वैसे लड़कियों से भी संपर्क रखना चाहिए, ठीक है, कोई मना करे तब भी। ऐसा नहीं है कि आप उग्र हो जाओगे या बेवजह बहस करोगे, नहीं, लेकिन हाँ, आपको सेल्फ डिपेंडेंट और मजबूत दमदार लड़की जरूर बनना चाहिए, तो आपको उस तरह की संगति भी करनी चाहिए। 9 टिप्स है कि लड़कियों की जब शादी होने वाली रहती है ना, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, या मोटी हैं, या काली हैं, या कम पढ़ी लिखी हैं, या जो भी रीज़न हो, पढ़ी लिखी हैं तो चश्मा लगा हुआ है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो पसंद करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि आपको इस चीज़ पर अगर कोई सुनाए भी कि 10 बार लड़के ने इसे छांट दिया है, अब इसका क्या होगा, काली बहुत है, इसे कौन शादी करेगा, दहेज देने पे भी ये हाल है, तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी योग्यता विकसित करें, आप अगर काली भी हो तो क्या हुआ, अच्छा बोलती हो तो ये बहुत बड़ा टैलेंट है। और जो इस रूप में भी आप काली हो,
या जैसी हो भी हो, आपको पसंद करे, आपकी योग्यता हो, क्योंकि योग्यता ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, चाहे आप जैसे भी दिखते हो, जो भी हो, तो ऐसे में ही आपकी जो रंग रूप है में ही आपको पसंद करे, आपकी योग्यता को देख के या आपके व्यवहार को देख के तब ही आपको शादी करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तब भी दमदार ही लड़की बनकर रहो। एंड टिप्स है कि कोई दबाए तो डरो मत, अपनी इज्जत करो, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करते हो ना, कोई इज्जत नहीं करता है। तो आपके हाथ छोटे हैं, आंखें छोटी हैं, या आप जैसे भी हो वही आंखें से आप देख पा रहे हो, ठीक है, नाक छोटी है, सांस ले पा रहे हो उसी से, तो अपनी कद्र करो, अपनी इज्जत करो। किसी भी चीज़ में कोई कहे कि इसकी टांगें छोटी हैं, आंखें छोटी हैं, कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, अपनी इज्जत करो। टिप्स है कि एटीट्यूड ना भी हो, कुछ ना भी हो, तभी भी मजबूर डरे हुए मत रहो, एटीट्यूड रखो, क्योंकि लोग मजबूर को ही दबाते हैं। तो आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है कि बुरे से बुरे समय में भी कुछ नहीं है फिर भी कि आप कहीं की रानी हो या महारानी हो, इस तरह का एटीट्यूड होना ही आपको दमदार बनाता है, क्योंकि आप इस तरह से रहोगे तो आपका नज़रिया, आपका काम भी उस तरह से हो जाता है। 12 टिप्स है कि कोई सुंदर हो, अमीर हो अपने घर में, ठीक है, उसे हमें घंटे का भाव नहीं देना है, अपने लिए उससे आपका क्या लेना है, खुद को आपको साहब समझो, मतलब कि किसी से कम मत समझो, दुनिया में कैसे जीना है अमीरी गरीबी सुंदरता बदसूरती ये तय नहीं करती। जैसे आप सुंदर नहीं हो, बदसूरत हो, कहने का मतलब काली हो या जो भी हो लोग कहते हो, लेकिन ये चीज़ें, या गरीब हो अमीर हो, तो ये चीज़ें तय नहीं करती कि दुनिया में आपको कैसे जीना है, ये तुम तय करोगी, ठीक है, कि तुम्हें कैसे जीना है आप तय करोगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आप दमदार लड़की बन सकते हो, या ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आप एक दमदार लड़की हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।